दोस्तों आज की रेसिपी है खट्टे मीठे आम, कच्चे आम और गुड़ की लौजी की रेसिपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा है। आप इसको 10 से 15 दिनों तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं बिना किसी केमिकल के। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कच्चे आम और इसके साथ 4 से 5 चम्मच गुड़ का पाउडर। आम को अच्छे से धो करके पतले से इसको पील कर लें, ज़्यादा मोटा नहीं छिलना है, ध्यान रहे बहुत पतला। देखिए इस तरह से आम जितना कच्चा होगा उतना ही अच्छा होगा, तो इस तरह से देखिए फटाफट इसको छील लें, ज़्यादा मोटा नहीं छिलना है। आप चाहे तो धो करके आप बिना छिल के भी बना सकते हैं। इसके 4 पीस कर लें आप आराम से काट करके, देखिए इस तरह से। अब दोस्तों हमने इसको स्लाइस में कट करना है लंबा लंबा, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो क्यूब में भी काट सकते हैं, स्लाइस या क्यूब जैसे भी काटें आप, सबको एक समान काटना है, कोई क्यूब और कोई स्लाइस में इस तरह नहीं काटना है, उससे रेसिपी का टेक्सचर खराब हो जाता है, देखने में बहुत बेकार लगता है। या तो आप क्यूब में ही काटें या स्लाइस में ही काटें, देखिए इस तरह से, इससे रेसिपी का टेक्सचर बनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। तो हमने इस तरह से काट लिया है सभी को, देखिए। दोस्तों अब एक कढ़ाई को गर्म करने को रख दिया है हमने। कढ़ाई गर्म होने के बाद आप इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करें, आधा चम्मच जीरा साबुत, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच डालने वाले सरसों के दाने और 2 हरी इलायची। इसको अच्छे से चटकने दें। आप चाहे तो मेथी दाना भी डाल सकते हैं। चटकने के बाद इसमें स्लाइस में कटे हुए आम को ऐड कर दें। आम डालने के बाद दोस्तों हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको स्टर करते रहना है, तब तक कि इसका अच्छे से गल नहीं जाता और बाहर से हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही फ्राई करना है। अगर हमने गुड़ डाल दिया तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हमने 1.5 चम्मच लिया है, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, हमने छोटे चम्मच से लिया है 1.5 चम्मच। इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको जब तक ये आम का कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता फ्राई होने की जैसा, तब तक आपने इसको स्टर करते रहना है, देखिए। और उसी बीच में लगभग पक भी जाएगा। दोस्तों आप 3 मिनट के लिए ढक देंगे लो फ्लेम पे। 3 मिनट बाद देखिए बिल्कुल भी तेल अलग हो चुका है, हमारा आम बिल्कुल पक चुका है। अब इस समय मिर्च को ऐड करेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये डालना ज़रूरी है, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। अब हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे 1 मिनट तक, अच्छे से स्टर करना जरूरी है तभी इसका मसाला अंदर तक जाएगा। दोस्तों अब हम इसमें गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे, हमने टोटल 4 चम्मच लिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमने लगभग आधा डाला है अभी, आधा हम बाद में डालेंगे। अब देखिए गुड़ का पाउडर अगर घर में नहीं है तो आप गुड़ को भी ले सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा क्रश कर लें, देखिए डालते ही मेल्ट होने लगा है। आप चाहे तो इतने में भी निकाल सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट तक, थोड़ा सा गुड़ और ऐड करेंगे और फिर से इसको स्टर करेंगे। जितना ज्यादा पकाएंगे उतना ये अच्छे से अंदर तक जा पाएगा आम के, इसीलिए आपको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना जरूरी है। तो देखिए अभी बहुत अच्छे से मेल्ट होने लगा है गुड़।
अगर आप साबुत गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक। तो देखिए हमारे गुड़ की लौजी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ी देर स्टर करने के बाद अगर आप चाहें तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला डाल सकते हैं, जैसे खड़े मसाले होते हैं उनको, वो ऑप्शनल है, ना चाहे तो आप नहीं डालेंगे, हम नहीं डाल रहे हैं। हमारी लौजी बनकर रेडी है, हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।